पाना, फुटजल, स्ट्रीट फुटबॉल कुछ भी कह लो भाई, मेरी एक बात याद रखना इसमें भाई, स्ट्रीट फुटबॉल ना एक ऐसी टाइप ऑफ गेम है जहाँ पे सिर्फ क्रिएटिविटी मैटर करती है आपकी, आपकी स्ट्रेंथ, एगिलिटी, स्टेमिना इतना मैटर नहीं करता। जिसमें थोड़ा थोड़ा भी स्ट्रेंथ, एगिलिटी, स्टेमिना है ना, वो भी बहुत अच्छा स्ट्रीट फुटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। लेकिन आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होना चाहिए इसके लिए। अगर आपका क्रिएटिव माइंड होगा ना, आप नई नई ट्रिक अपने आप इन्वेंट कर लोगे, आपको ज़्यादा दूसरों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी मैटर करती है। तो सिंग फ्री स्टाइलर के पहले पाने के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये सिंग फ्री स्टाइलर की अपनी क्रिएटिविटी है। एज यू नो, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट सिटी। सो स्टार्ट आउट विद द सिंपल टाइप ऑफ पाना यूज इन फुटजल ओनली। भाई उसको फुटबॉल गेम में, सॉकर मैचेस में यूज ना करना, पहले बता रहा हूँ। ओनली फुटजल गेम में, शॉर्ट गली फुटबॉल, स्ट्रीट फुटबॉल में ही यूज करना है। सो इस ट्रिक को आपने कैसे करना है देखते हैं। सो पहले तो डिफेंडर की तरफ धीरे 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 जाओ। धीरे धीरे डिफेंडर की तरफ गए और उस टाइम पे जैसे ही सामने पहुंच गए ना डिफेंडर के, उसी टाइम पे बॉडी फेंट दिया, और बॉडी फेंट देने के बाद ही एकदम स्टेप ओवर किया बॉल के ऊपर, और उसी टाइम पे पीछे से फुट से ऐसे करके पाना कर दिया डिफेंडर का। ये बहुत ही क्रिएटिव टाइप ऑफ पाना स्किल है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे इन्वेंट की थी। तो दोस्तों, आपके लिए कुछ टिप्स एंड मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है इस ट्रिक को करते टाइम। टिप्स में तो आपको अच्छा अच्छा बताऊंगा कि आपको और क्या कर सकते हो इस ट्रिक में अच्छा, लेकिन मिस्टेक्स आपको जो अवॉइड करनी है। जिस टाइम पे आप बॉडी फेंट कर रहे हो ना, आप डिफेंडर के थोड़ा क्लोज होने चाहिए। अगर आप दूर हो गए ना उससे, पहली मतलब पहुंचे हो नहीं डिफेंडर तक और आप ऐसे ही बॉडी फेंट कर रहे हो पहले, तो जिस टाइम पे आप स्टेप ओवर कर रहे हैं ना, तो फिर डिफेंडर आपसे छीन लेगा। भाई इस ट्रिक में ना सबसे अच्छी बात है कि जिस टाइम पे आप बॉडी फेंट कर रहे हो ना, उस टाइम पे डिफेंडर को ऐसा इल्यूजन मिलेगा कि आप भाग रहे हो आगे, तो सीधा आगे निकलने लग जाएगा एकदम। भाइयों मेरी एक चीज याद रखना है स्किल में, कि जिस टाइम पे आप डिफेंडर के पास भाग रहे हो ना, उस टाइम तो चाहे आप आराम आराम से भाग लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे आपकी स्किल शुरू होगी ना, जैसे आपने बॉडी फेंट कर लिया, उसके बाद स्टेप ओवर करना है, स्किल आपको बहुत स्पीड में करनी है। तो पहले अलग से स्किल को स्पीड में करने की प्रैक्टिस कर लेना। ये सिंग फ्री स्टाइलर की प्रो टिप है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, स्पीड में है आपकी, आप बस आराम से जाओ, डिफेंडर के पास पहुंच गए ना, जल्दी से बॉडी फेंट दो और एकदम स्टेप ओवर करके पाना कर दो। तेज करोगे 95% है कि स्किल हो जाएगी, लेकिन अगर स्लो करोगे ना, स्लो करोगे तो डिफेंडर कटा लेगा आपसे और आपका कट जाएगा। तो दोस्तों, आपको गेम सिचुएशन में किस टाइम पे ये स्किल को यूज करना है बताता हूँ। अपने दोस्तों के साथ पाना गेम्स खेलते हो ना, पाना गेम्स खेला करो, नहीं खेलते तो पाना गेम्स खेलते हो तो उसमें भी ये स्किल आप यूज कर सकते हो। टीममेट्स को पास देने के लिए भी ये पाना स्किल यूज कर सकते हो, इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। गोल मारने के लिए, गोलची से कटाने के लिए, भाई गोल मारने के लिए बेस्ट है ये, यूज करो, गोल मारो। एक चीज का याद रखना इस स्किल में, कि अगर आप राइटी हो, राइट फुटेड प्लेयर हो, तो आपको राइट विंग से ही ये स्किल यूज करनी है और राइट साइड से ही भागना है आगे डिफेंडर के, समझे ना। और अगर आप लेफ्ट फुटेड प्लेयर हो, तो आपको लेफ्ट विंग से ये स्किल करनी है और लेफ्ट साइड से ही भागना है, तब ये इफेक्टिव तरीके से कर पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, अपने मर्जी से करोगे, कहीं से भी करोगे, तो कर तो लोगे लेकिन मजा नहीं आएगा। तो मेरी बात मानोगे तो मजा आएगा। तो मेरे भाइयों, डिफेंडर कैसे तोड़ें इस स्किल को, मतलब कि टैकल कैसे करें इस स्किल को, ये मैं किसी और वीडियो में इसकी बात करूंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत डिटेल्ड हो जाएगी वीडियो, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। लेट्स जंप ऑन टू द सेकंड स्किल, क्रेजी स्किल सिंग फ्री स्टाइलर की, क्रेजी क्रिएटिविटी। भाई जिस टाइम पे मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था ना इस वीडियो के लिए, उस टाइम पे मैंने ये स्किल इन्वेंट की थी। दोस्तों इस स्किल में ना दो स्टेप्स हैं, इन दोनों स्टेप्स की आपको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पहला स्टेप है रिवर्स स्टेप ओवर। रिवर्स स्टेप ओवर कैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रिवर्स स्टेप ओवर में सिंपल इस तरीके से बॉल को पीछे लेके जाना है। अब ये तरीका आप परफेक्ट कर लेना, ताकि आप 2-4 रिवर्स स्टेप ओवर कर पाओ, ये तरीका आपको अच्छी तरीके से आ जाए। उसके बाद ये जो सोल का ड्रैग मोशन है ना, इस ड्रैग सोल से ऐसे ड्रैग करने की भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो पूरी स्किल है वो इन दोनों स्किल्स को मिला के बनी है। तो अगर आप पहले ही पूरा अपने आप को परफेक्ट कर लोगे, तो आपको मैच में नहीं प्रॉब्लम आएगी, सीधा फिर अच्छा परफॉर्म करोगे सीधा जाके। मैं एक और बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस स्किल को ना मैच सिचुएशन में यूज़ करना है ना, अगर तो सिर्फ स्ट्रीट फुटबॉल में ही यूज़ करना, आप सॉकर मैचेस में जो बड़े फील्ड की गेम होती है ना, उसमें मत यूज़ करना है इसको, उधर इसका कोई फायदा नहीं यूज़ करने का। इसको सिर्फ स्ट्रीट फुटबॉल में शॉर्ट
गली फुटबॉल में ही यूज करना है स्किल को। मेरे पास दो तरीके हैं इस स्किल को करने के, तो चलो पहला तरीका देखते हैं। पहले तो आप डिफेंडर के पास जाओ हल्का सा, उसको अप्रोच करो कि वो आपकी तरफ आए। उसके बाद जैसे ही डिफेंडर आपकी तरफ आने लग जाए, अब बॉल को ना ऊपर पैर रख के बॉल के हल्का हल्का पीछे की तरफ ड्रैग करने लग जाओ, हल्का हल्का ड्रैग करो। जैसे ही डिफेंडर एकदम आपकी तरफ झपटा मारने लग जाए ना, तो उस टाइम पे रिवर्स स्टेप ओवर करो और आगे ड्रैग मोशन वाला करके उसके बाद सीधा पाना कर दो प्लेयर का। भाई बड़े तगड़े तरीके से पाना होगा, ये काफ़ी यूजफुल स्किल है। और इस स्किल को करने के मेरे पास दो तरीके हैं, ये था पहला तरीका। भाइयों मेरे, इस स्किल को ना पाना मैचेस में यूज़ करना जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ पाना मैच खेलते हो। एक बात बताओ, आपको पता है ना कि पाना मैचेस क्या होते हैं? मैं कि पाना मैचेस बोली जा रहा हूँ, पता लगे आपको पता ही ना हो पाना मैचेस क्या होते हैं। आई होप आप सबको पता होगा, नहीं पता तो इधर उधर से पूछ लो, आपके फ्रेंड्स में से किसी ना किसी को पता होगा पाना मैचेस क्या होते हैं। तो इस स्किल को आप अगर राइट विंग पे करोगे, फुटजल कोर्ट पे, गली फुटबॉल में राइट विंग पे करोगे अगर आप राइट ही हो, और राइट साइड से ही आगे निकलोगे डिफेंडर के, और आप लेफ्ट विंग पे करोगे अगर आप लेफ्ट फुटेड प्लेयर हो और लेफ्ट साइड से ही आगे निकलोगे डिफेंडर के। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपका ध्यान रखना है अगर आपको एक अच्छा परफॉर्म करना है क्रिएटिव माइंड के साथ। इस स्किल को आप ऐसे पास देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और वापस पास लेके ऐसे गोल मार सकते हो। दोस्तों एक और तरीका है इसी स्किल को करने का, वो भी बड़ा इफेक्टिव है, वो इससे ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद एक और बहुत क्रिएटिव स्किल है भाई, मुझे खुद मज़ा आ गया था जब मैंने वो स्किल निकाली थी। भाई मैंने कहा यार कैसे ऐसी चीज़ें सोच रहा हूँ मैं, इतना क्रिएटिव कैसे हो रहा है माइंड, पर भाई पता नहीं अपने आप ही हो जा रहा है। अपनी तारीफ क्या करूँ। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, नहीं तो इसका सेकंड पार्ट आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब सेकंड पार्ट भी आ गया, या इसको डिफेंडर्स के लिए जो टेक्निक्स है वो भी आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपने बेल आइकन ही नहीं दबाया। भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगी कि सिंह फ्री स्टाइलर चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड हो रही है। सिंह फ्री स्टाइलर साइनिंग ऑफ। प्लेलिस्ट, प्रीवियस वीडियो, सब्सक्राइब बटन, भाई ये बटन इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपको भी दबाना, इसको दबाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि नोटिफिकेशन तो मिल जाए आप लोगों को जो नई वीडियो अपलोड होती है।